की तो फ्री फायर के अंदर कोई ऐसा प्लेयर अभी भी बचा हुआ है जिसकी फर्स्ट लैंडिंग भाई फैक्ट्री पे हो और पहला फाइट तो फ्यूज फाइट होने वाला है, उसके बाद ही कुछ और। आई थिंक बहुत ही कम ना, पहले तो बहुत ज्यादा लैंड करते थे, बट आई थिंक अब एक आध दो गिने चुने आएंगे तो आएंगे, तो नहीं आने वाले है ना। बट हाँ, अपडेट के बाद थोड़ी जनसंख्या बढ़ने वाली है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा था बताएं गाइस, देखो अपडेट के बाद ना हमारे गेम के अंदर कुछ बॉक्सेस आने वाले, जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये जगह जगह पे ना ऐसे पड़े रहने वाले जैसे तुम फोड़ के लूट कर सकते हो, ये वाले बॉक्सेस जो कि पूरे मैप में एक आध दो ही देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर गलती से कोई फैक्ट्री पे चले जाता है ना, तो यही बॉक्सेस वहां पर भरे पड़ेंगे, मतलब एक ही जगह पे 8 से 10 बॉक्स देखने को मिल जाएंगे और इसके अंदर इतना लूट मिल जाता है कि एक एनिमी के लिए बहुत ज्यादा। तो बंदे तो फैक्ट्री पे एंड करेंगे, बट गाइस ये लूट करने के लिए, क्योंकि यहाँ जो बॉक्सेस पड़े हैं ना, अगर तुमने इसे सबके सब लूट लिया ना, तो पूरे मैप में लूट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसे देख के भाई बंदे यहाँ पर कुछ ज्यादा लैंडिंग करने वाले हैं फैक्ट्री पे, और पूरे मैप में तो एक दो ही मिलेंगे, लेकिन इस वाले प्लेस पे ये बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो आई थिंक लूट भी बहुत ज्यादा मिलने वाला है, 4 प्लेयर तो इजीली लूट ही लोगे। खैर इसके अलावा एक और चीज देखो तुम लोग, यार हम नीचे फाइट करते हैं ना, तो भाई सर तुमने देखा होगा ऊपर से बंदे रिवाइव होकर नीचे लैंड करते रहते हैं, बट पता है इससे हम कभी बार पिट भी जाते हैं, लेकिन आई थिंक थोड़े अब नहीं पिटने वाले, क्योंकि अगर कोई बंदा ऊपर से नीचे लैंड कर रहा होगा पैराशूट से ना, तो वहां पर तुम्हें एक अलर्ट मैसेज देखने को मिल जाए कुछ इस तरह से, जो कि एक लैंडिंग का साइन है, जिससे तुम्हें पता चल जाए कि ऊपर से कोई प्लेयर नीचे लैंड कर रहा है, तो थोड़े से होशियार हो जाना, वरना भाई ऊपर से गन लेके आएगा तुम्हें ऐसे ही पीट देगा। पहले नहीं पता चलता था, बट आई थिंक पता चलने वाला है, तो अच्छी बात है। तो खैर इसके अलावा अगर अभी तुम गेम प्ले कर रहे होगे ना, तो गेम पे तुम्हें कुछ इस तरह से हैकर वाला लोडिंग स्क्रीन देखने को मिल रहा होगा। इसे देख के तो ऐसा लग रहा है भाई हैकर को क्या करीने वाले प्रमोट कर रहे हैं क्या भाई, हर जगह पे मतलब ये देखने को मिल रहा है लोडिंग स्क्रीन, किधर भी आएगा तो ये हैकिंग वाला साइन देखने को मिल जाएगा, जिससे देखने में ऐसा लग रहा है जैसे हैकर को प्रमोट कर रहे हैं या फिर गेम ही हैक हो चुका है। बट पता है कुछ हैकर वाले बंडल्स आने वाले हैं, देखोगे देखो ये सारे बंडल देख के तो दिमाग खराब होगा, भाई ऐसे भी बंडल होते हैं क्या। ये हमारा पहला बंडल जो कि आई थिंक कांच वांच से बना है क्या, गाइस देख रहे हो क्या ओपी लग रहा है देखने में, और इस वाले बंडल को मेल एंड फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। बट सच में कुछ लगे या ना लगे, इस वाले बंडल को पहनने के बाद तुम एक एलियन जैसा तो जरूर से लगने वाले हो, क्योंकि भाई ये है ही कुछ ऐसा, पता नहीं यार देख रहे हो थोड़े कुछ दिख ही नहीं रहे, आंख मुंह पता कुछ पता ही नहीं चल रहा है, एंड ऐसे एक है ये दूसरा एक और देख लो जो कि सेम इसी तरह से, एंड ऐसे 3 बंडल देखने को मिलेंगे हैकर की तरफ से। देखो तीसरा है ये, देखो ये भी स्वयं कुछ वैसा ही है, और इसे भी मेल एंड फीमेल दोनों पहन सकते हैं, और इसे देखने के बाद भी लगेगा भाई क्या बात है यार, एक भूत होता आ चुका है गेम के अंदर क्या, क्योंकि इसे पहनने के बाद मतलब समझो तो इस स्पाइडरमैन वाले दिखे ना कुछ भी नहीं दिखता, सेम कुछ वैसा ही। तीसरा वाले एक और है जो कि कुछ इस से क्रिस्टल पे आते हैं, एंड ये भी सेम वैसा ही है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, लेकिन ये देखो सिर के ऊपर एक डब्बा लगा है, एंड बाकी बॉडी का तो कुछ आता है पता ही नहीं कर सकते भाई, क्या बोलो एकदम गजब सा। एंड इसके अलावा कुछ नए वाले व्हीकल्स भी आने वाले, मतलब स्किन से यार कुछ नहीं, नहीं नहीं ये हमारा फालतू सा एक बाइक का स्किन जो कि ऐसे फ्री में देखने को मिल जाएगा तुम्हें। उसके अलावा ये वाला देख लो ब्लू ट्रक का एक स्किन जो कि ओपी है, एक कार का स्किन जो आई थिंक येलो कलर पे देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से, दूसरा एक लाइटिंग वाला जो कि ठीक ठाक बोल सकते हो इसे भी, एंड आई थिंक हो सकता है इसे पैसे से मिले या फिर फ्री में भी मिल सकते हैं। तीसरा वाले का और ये कोबरा जैसा बना हुआ जो कि स्किन है बस ऐसे ही, तो काफी सारे स्किन इस बार गेम पे देखने को मिलने वाले, जो कि हो सकता है अलग अलग इवेंट या फिर अलग तरह से देखने को मिले, कुछ फ्री में मिलेंगे कुछ पैसे भी लगने वाले। तो ये कुछ स्किन है जो कि अपडेट के बाद हमें देखने को मिलेगा गेम के अंदर, बट खैर ये तो देख लिया, अब दिखाता हूं तुम्हें कुछ चका चीजें जो कि गेम पे तुम ट्राई करना सच में मजा आएगा। सबसे पहले चीज को ट्रेनिंग में चले जाना, और ट्रेनिंग में तुम्हें वुकोंग कैरेक्टर या फिर एक सेंटिन्यू दोनों में से कोई एक लेके जाना, और एक चीज यहाँ से परचेस कर लेना, उसके बाद इस साइड पे आना और उसे यूज करके बस यहाँ से एक बार लीव हो जाना, तो जो भी तुमने कैरेक्टर्स के लिया होगा ना वो अनलिमिटेड हो जाएगा। पहले तो एक बार काम करता था, बट वो हर बार काम करेगा। ओके अब गाइस यहाँ से कुछ गन परचेस करने के बाद ना सीधे आ जाना ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, एंड अंदर आने के बाद फाइट नहीं करना है, सीधे चलना इस वाले प्लेस के पास और वुकोंग बन के यहाँ पर सेंटिन्यू को छोड़ देना है। वुकोंग इसलिए बनना है क्योंकि जब तक इसके ऊपर ग्लूअर लगाओगे ना तो उतने देर में तुम्हें बंदे पीट देंगे, और ऐसे तुम्हें नहीं पीट पाएंगे तो आई थिंक थोड़े बचे रहने वाले हो। अब जैसे ग्लूअर आगे से यूज करोगे ना तो इसके थोड़े आगे वाले बैरियर पे चले जाओगे जो कि एकदम हाइडन सा प्लेस है, हाइडन नहीं तुम्हें सारे बंदे देख सकते हैं लेकिन तुम्हें कोई मार नहीं सकता। यहाँ पे रहने के बाद तुम काफी ज्यादा किल वगैरह कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा हेल्थ काम नहीं करता, मतलब कोई नहीं तुम्हें टच भी नहीं कर सकता, और तुम यहाँ से किसी को भी ऐसे ही पीट सकते हो, है ना काफी ओपी। यार ये खत्म यहीं पे नहीं होता, अब इसी चीज को तुम एक नेक्स्ट लेवल पे और लेके जा सकते हो।
वैसे थोड़ा वो हार्ड है बट करोगे तो हो जाएगा। सबसे पहले जहाँ पे तुम थे ना उसी जगह पे अपने सेंटिनियो को छोड़ देना और ग्लूअल को लाने के लिए इस साइड पे चले जाना, तब यहाँ पे कोई ना हो। पूरे ध्यान से अगर तुम मर गए ना तो भाई सब कुछ दोबारा फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके हम ग्लूअल लेके इस जगह पे तो आ चुके हैं एंड ये देखो फिर से एक बंदा आया। भाई ये लोग पिट्टे के बिना मानेंगे नहीं। खैर ये तो हो गया एंड ये मारना चाहते तो मार सकते हो बट इसके आगे स्टेप के लेकिन सेंटिनो को इस जगह पे छोड़ देना है, फिर से दौड़ते हुए आगे चले जाना है, सेंटिनो को उस जगह पे छोड़ के वापस आ जाना है एंड देन यहाँ से दो ग्लूअल को अच्छे से प्लेस करना है। और वैसे थोड़ी सी मेरे से भी गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि एक बार में साथ से वर्क ना करे, अच्छे से अगर वर्क ना किया ना तो तुम्हें फिर से शुरुआत करना पड़ेगा जब तुम शुरू से अंदर आ रहे थे ना, क्योंकि एक बार गड़बड़ होने के बाद ये काम नहीं करेगा। ओके तो देखो यार ये मेरे से भी एक बार में नहीं हुआ, दूसरी बार जब हुआ तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया ही नहीं। तो आई थिंक दूसरे क्लिप में तुम लोग देखो यहाँ से तुम इस तरह से बाहर चले जाओगे एंड बाहर आने के बाद इधर उधर घूम सकते हो बट घूमने नहीं है, सामने एक माउंटेन देखने को मिलेगा ये वाला, जस्ट इसके सामने खड़े हो जाना है और वेगर पेट को लेके आना ताकि वो ग्लूअल दे सके। इसके सामने सेंटिनियो को ऑन कर देना, उसके जस्ट सिर के ऊपर एक ग्लूअल को कुछ इस तरह से प्लेस कर देना है एंड देन दूसरा ग्लूअल भी उसी के जस्ट ऊपर लगा देना है और इस माउंटेन के ऊपर आके बाद इस ग्लूअल के ऊपर जंप करना है। देन इस बार दूसरी वाले ग्लूअल के ऊपर जंप करना है और फिर से सामने की ओर जंप करोगे ना तो एक इनविजिबल वॉल है जिसके ऊपर चले जाओगे एंड ऊपर आने के बाद तुम पूरे मैप में ऊपर ऊपर ही घूम सकते हो। बट देखो ये ट्रिक भाई किसी किल करने के लिए नहीं, ऐसे ही बस मस्ती करने के लिए, क्योंकि तुम ऊपर से किल करना चाहो तो भी नहीं कर सकते हो, नीचे वाले बंदे तुम्हें देख तो सकते हैं बट वो भी तुम्हें मार नहीं सकते, बस ऐसे ही तो बंदे को थोड़ी शौक कर सकते हो, काफी ऑफिस है ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट तुम लोग एक और चीज देखो, बस इसके लिए ना हमें एक बाइक चाहिए होगा। ओके एक बाइक लेने के बाद तुम पता है गेम पे क्या क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। ये वाला ट्रक देख रहे हो पूरे मैप में आई थिंक भरे पड़े हैं, सो कुछ नहीं तुम्हें एक बाइक ले लेना है एंड बाइक लेने के बाद तुम्हें ना किसी भी ट्रक के सामने बस उसके पीछे चले जाना और उसके पीछे बस इस तरह से बाइक को खड़ी कर देना और बस लीव करना। अरे पता नहीं कैसे इस ट्रक के अंदर चले जाओगे बिना किसी ड्राइविंग लाइसेंस के और वो भी कुछ नहीं करना, बस पीछे बाइक को खड़ा करना है कैसे भी और उसके बाद एग्जिट कर दो सीधे इसके अंदर। ये देखो अभी इस वाले बाइक ट्रक में था ना, चलो दूसरे में दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर भी हमने गाइस सेम मतलब पीछे खड़ा किया, उसके बाद जब भी लीव करता हूँ ना तो भाई सीधे ट्रक के अंदर चले जाओगे और अंदर आने के बाद बंदे को सॉक कर सकते हो, पीट सकते हो, वो भी सोचेगा भाई क्या कर रहा है ये। और ये देखो इस वाले ट्रक में ट्राई किया तो हमने यहाँ पर भी वो कर लिया और ऐसे ये ट्रक पूरे मैप में बहुत सारा पड़े हुए, तो तुम कहीं पे भी ट्राई करोगे नहीं किसी वाले ट्रक के अंदर ये काम करेगा। तो अब गेम पे तुम इसे कैसे यूज करोगे देख लेना, लेकिन उससे पहले तुम लोग एक और चीज देखो और इसे जरूर से ट्राई करना यार, तुमने गेम के अंदर एक पोर्टल तो जरूर से यूज किया, हाँ वही गो पोर्टल, क्या तुमने इसे पेड़ के ऊपर कभी ट्राई किया लगा के? शायद से नहीं। ये फैक्ट्री के पास चले जाना और एक पोर्टल को ले लेना और इसे तुम एम करोगे इस वाले ट्री के ऊपर ना तो ये इजीली लग भी जाएगा, लेकिन हाँ लगने के बाद तुम इसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि जैसे यूज करोगे वो पेड़ तुम्हें लात मार के बाहर फेंक देगा तो ऊपर तुम खड़े नहीं रह सकते। इसके लिए क्या करना है ना, एक दो ग्लूअल को उस पेड़ के जस्ट ऊपर पे लगा देना है एंड देन दोबारा जब उसे यूज करोगे तो सीधे उस ग्लूअल के ऊपर ही चढ़ जाओगे जिससे तुम हाइट का एडवांटेज लेके ऊपर से बंदों को किल कर सकते हो पूरे टीममेट के साथ में। चलो ये तो रहा ऊपर से किल करने के लिए, लेकिन इस वाले गो पोर्टल को देख के ना भाई बंदे के अंदर एक खुजली तो जरूर होगी इसे यूज करने के लिए क्योंकि ये पेड़ के ऊपर लगा हुआ है और इसी का तुम फायदा उठा सकते हो। देखो कैसे तुम्हारे पास ना बस एक दो लाइनमैन रहने चाहिए और उस लाइनमैन को क्या करना है ना इस वाले ट्री के नीचे जस्ट लगा लेना है क्योंकि अगर ऊपर एक ग्लूअल ना होगा तो कोई नहीं भी ऊपर जाने का ट्राई करे, बट आई थिंक ऊपर टिक नहीं पाएगा, वो आएगा नीचे ही और उसके बाद नीचे स्वागत करने के लिए हमारे पास रहेगा एक लाइनमैन जैसे कि तुम लोग ये देखो। भाई बंदे ना ऊपर से गिरने के बाद फिर से ऊपर चले जाएंगे बोलो। ओके अभी एक और छोटी सी ट्रिक देखो, छोटी सी लेकिन काफी कूल है। ओके हमारी गेम के अंदर एक न्यू मोड आया ना रैंपेज वाला, इसे बस स्टार्ट कर लेना, जैसे स्टार्ट करोगे सेंटिनियो को लेके आना। ओके अब यहाँ पर शुरुआत में हम इनविजिबल रहते हैं तो मैप में आगे पीछे हम घूम सकते हैं। ओके तो जैसे इनविजिबल लाइन खत्म होने वाला होगा ना उसी टाइम पे अपने सेंटिनियो को आगे की ओर छोड़ देना और दोबारा तुम अपने रूम में चले जाओगे जहाँ से गन परचेस करते हैं, वहां से फटाफट से कुछ गन एंड ग्रेनेड को परचेस करना है, सेंटिनियो यूज करना है, दोबारा से बाहर चले जाना है और चले जाना है एनिमी के साइड पे क्योंकि वो लोग अभी भी रिंग के अंदर ही होंगे और यहाँ से बस बहुत सारे ग्रेनेड की बारिश कर दो एंड देन जैसे उसका रिंग खुलता है सबके सब ऐसे फूट जाने वाले हैं झटके से। भाई वो भी शौक होंगे यार ये क्या हुआ, रिंग खुलते से तुम्हारे ऊपर अटैक कहाँ से हो गया, एंड ये चीज तुम हर बार ट्राई कर सकते हो हर राउंड के अंदर, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट एक और चीज देख सकते हो इसके अंदर इसी नए मोड के अंदर, तो जब तुम क्लॉक टावर में फाइट करोगे ना तो भाई पता होगा क्लॉक टावर के नीचे एक छोटा सा टनल है जिसके आर पार हम जा सकते हैं बट इस वाले मोड पे जा नहीं सकते, लेकिन हाँ इसी के बदले तुम्हारे पास अगर कोई ग्रेनेड होगा ना इसके सामने खड़े रहना और उस ग्रेनेड को फेंक देना, फेंकने के बाद थोड़ा वेट करना मैजिक मिलेगा। भाई
अरे कौन सा चुड़ैल रहते हैं यहाँ पे, हमने ग्रेनेड को उस साइड पे फेंका, ग्रेनेड जबकि गया भी उस साइड पे, लेकिन हम फूटे कैसे? तकर ये तुम्हें गेम पे पता करना कि भाई ग्रेनेड वाले ने कौन सी चुड़ैल बैठा रखी है वहाँ पे यार, जो ऐसे फूट रही है। क्या ही ट्राई कर लेना जाके एक बार।